like in the morning I send you these two my research articles, like it's not like very high documents nor very low, like यानी मीन्स के इस कोर्स के अंदर आप कुछ इस तरह का पेपर लिख सकते हैं, यानी दिस लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ देयर आर द थ्री ऑथर्स, यूजुअली क्या होता है कि जो मेन ऑथर होता है इट्स लाइक स्टूडेंट, सेकंड ऑथर इज आल्सो अ स्टूडेंट और समवन हु हेल्प द फर्स्ट ऑथर एंड द लास्ट वन इज़ यूजुअली द सुपरवाइजर, सी ना। सो दिस इज़ अ पैटर्न ऑफ राइटिंग अ रिसर्च आर्टिकल अमंग रिसर्चर्स और द ऑथर्स ऑफ द पेपर। डिपेंड करता है कि जर्नल ने क्या या कौन जो भी कॉन्फ्रेंस है, लाइक फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, सो इनका पैटर्न कुछ इस तरह से था कि एब्स्ट्रैक्ट आपकी हेडिंग कुछ जो भी 12 या 14 फॉन्ट हो उसकी रखनी है और उस तरह से आपने एब्स्ट्रैक्ट मेंशन करना है। कीवर्ड्स हो गए, इंट्रोडक्शन हो गया कि जिसके मुताबिक आप लिख रहे हैं, सही ना। तो मेरा ये टॉपिक जो था अबाउट द यूटिलाइजेशन इम्पैक्ट ऑफ GPS ट्रैकिंग इन द हेल्थ केयर था, सही है ना। ये बेसिकली इसमें रिसर्च वर्क को मैंने कम फोकस किया था और इसमें एक लिटरेचर रिव्यू को ज़्यादा फोकस किया था, तो इस वजह से मैं इस चीज़ को फोकस कर रहा हूँ इसमें ना, यानी दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग भी इसको फॉलो करके कुछ अपना एक आर्टिकल लिख सकते हैं, सही है ना। सो उसमें यानी कुछ दो तीन मेथड्स मैंने यूज़ किए थे। नंबर वन था लिटरेचर रिव्यू, जिसमें बहुत सारे आर्टिकल जो थे वो स्टडी आउट करके उसकी एक ब्रीफ समरी लिख दी थी, सही है ना। आप भी ये कर सकते हैं कि इसकी एक ब्रीफ समरी लिख दें अपने टॉपिक से रिलेटेड। फिर मेरे पास जो एक एडवांटेज था कि मेरे पास ये डिवाइस बेस्ड था, तो मेरे पास दो डिफरेंट डिवाइसेस थी, सही ना। तो उनके कमर्शियल नेम जो होते हैं वो पेपर में इस्तेमाल नहीं होते, ताकि ये ना हो कि अब आप वो उसको एक पॉपुलैरिटी दे रहे हैं, सही ना। तो अगर आप कोई कमर्शियल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, सही ना, तो उसमें ये है कि आपने उसको एक अननोन नाम दे के उसकी प्रॉपर्टीज़ को मैंने चेक किया, उसको उसका एक क्वेश्चनरी सर्वे कंडक्ट कराया, उससे जो मेरे पास जो रिजल्ट्स आए, सही ना। तो उसमें यानी मीन्स के मीन निकाल के या स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के एक सो कॉल्ड एक समरी सी यानी मीन्स आ गई कि ओवरऑल कि उसका एडवांटेज क्या था, सही है ना, और फिर वो मेरे पास लोग कौन से थे जो उसको यूज़ कर रहे हैं। तो सम हाउ अगर इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू राइट सम पेपर और जो भी सम रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग है, तो सही ना, उसके मुताबिक अगर कोई कुछ सर्वे हो जाए, सही है ना। सामा तुम्हारा सा टॉपिक था, तो अगर तुम कहीं से एटलीस्ट के मिनिमम तकरीबन 25 के करीब अगर सर्वेस कोई तुम क्वेश्चनरी सर्वे बनाओ रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग के मुताबिक और उसको कंडक्ट करा के तुम एक कोई छोटा सा पेपर बाकायदा ना पब्लिश करवा सकते हो, सही है ना। सो उसमें यानी वही कि लिटरेचर रिव्यू के जो रिजल्ट्स हैं वो यही उसमें से आपने क्या खस किया, सही है ना। फिर परफॉर्मेंस एनालिसिस की जो डिवाइस की जिससे मैंने परफॉर्मेंस की थी, हम लोग तो इसमें टेलीमेडिसिन में हमारे डिवाइस नहीं है जिसकी हम परफॉर्मेंस कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन ये कैसे क्वेश्चनरी सर्वेज हैं, सही ना, तो उस वो अगर कंडक्ट हो जाए किसी तरह के पाकिस्तान में इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और अगर ये हो रहा है तो उसका डॉक्टर एंड पे वो लोग वो हैं हैप्पी हैं, यानी कुछ मैं क्वेश्चनरी सर्वेस क्वेश्चन भी तुम्हें भेज सकता हूँ कि वो तुम डाल के और एक कंडक्ट करा लो। ऑनलाइन सर्वेस आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, गूगल प्लेटफॉर्म गूगल फॉर्म जो बनाए जाते हैं उसके थ्रू ठीक ठाक रिसर्च हो रही है कि आपने ऑनलाइन फॉर्म बना दिया और मुख्तलिफ लोगों को बोल दिया कि आप उसको फिलअप कर दें, उससे जो तुम्हारे पास रिजल्ट आएंगे तुम आराम से उससे स्टैंडर्ड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरा एक यहाँ पर था ये जो मेरा पेपर है ना, इसमें मेरे पास सैंपल्स देखें कितने कम है, सिर्फ 8 लोगों मिले थे मुझे ना, क्योंकि ये फिनलैंड में हुआ था, तो फिनलैंड में मेरे लिए तो लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा था, प्लस कि एजिंग लोगों के लिए डेवलप की गई थी और वहाँ पे एजिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो 70 के बाद शुरू होता है, सही ना। तो तकरीबन 72 से 89 ईयर्स ओल्ड का तकरीबन मेरे पास लोग थे, और मुश्किल से मेरे पास 15 दिन का टाइम था जिसके अंदर कि मैंने ना काम कंप्लीट किया था। तो उसमें फिर मेरे पास जो और फिर पेपर बेस भी था, और फिर मुझे एक इंटरप्रेटर की भी ज़रूरत पड़ी थी इसके अंदर के जो मुझे उसको जो उनकी क्यूरीज हों एजिंग लोगों की, क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी, तो काफ़ी मुझे इसमें हर्डल्स हुई थी। लेकिन द पाकिस्तान इज़ नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम, क्योंकि रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग जो है वो सबके लिए लाई करता है, उसमें एजिंग का इशू नहीं है। तो ये मेरा जो मेनली टॉपिक था वो एजिंग के ऊपर था।
तो उससे ये हुआ कि जी दो डिवाइसेस थी मेरे पास, तो जो एक एक डिवाइस थी यानी वो लोग उनको दी गई थी, यानी 72 से 89 ईयर्स ओल्ड के बीच जो लोग थे, तो टारगेट जो था वो 65 से लेके एंड अबव था, लेकिन डेफिनेटली लोग कुछ विलिंग नहीं थे इनको इस्तेमाल करने के लिए, कुछ अवेलेबल नहीं थे, कुछ लैंग्वेज बैरियर था, तो इस तरह से बहुत सारे इश्यूज़ थे। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह का शुक्र है, देखो 8 सैंपल के ऊपर भी मेरा जो डेटा है वो पब्लिश हो गया था, सही ना। तो इसमें यानी मीन्स के एक ने रेटिंग दी कि जो डिवाइस वन है उसको, उसने 5 में से रेटिंग मैंने ली थी, तो 5 में से 4 की रेटिंग मिली, और सेकंड डिवाइस की मुझे 3.33 की रेटिंग मिली थी, सही ना। तो इस तरह से यानी मीन्स के कंफर्टेबल फीलिंग, बैटरी लाइफ से आप मुतमईन है क्योंकि वो चार्जेबल बैटरी है, एक वीक का तकरीबन टाइम था दोनों बैटरीज का। और फिर पर्सनल ग्रेडिंग हो गई, रिकमेंडेड टू अदर्स, इस तरह के कुछ मेरे सवालात थे, तो उन सवालात की समरी है बेसिकली, सही ना। तो ओवरऑल यानी मीन्स के लोगों का एक्सपीरियंस जो था वो 2.7 था आउट ऑफ 5 ना, तो यानी मीन्स के लोग इतने विलिंग नहीं थे, जबकि दूसरी जो डिवाइस थी उसमें सो कॉल्ड कॉलिंग फीचर था तो वो लोगों को आसान लग रहा था, इसी वजह से उसकी यहाँ पे जो 4.8 का जो पॉइंट लोगों ने दिया वो इस वजह से दिया कि दे आर मच मोर कम्फर्टेबल टू प्रेस द एमरजेंसी बटन टू डायरेक्टली कॉल देयर केयर गिवर, सही ना। तो इस तरह से यानी मीन्स के ये फीचर, इस फीचर की वजह से जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रही वो 3.33 इज़ बेटर देन द दिस डिवाइस। इसका एडवांटेज बस ये हुआ कि जो इसकी कंक्लूजन है उसमें ये बता दिया गया कि जो डिवाइस 2 के अंदर जो फीचर्स हैं ना, लोगों ने उसको ज़्यादा प्रीफियर किया है, लेकिन अगर हैंडलिंग की बात की जाए तो मोर फीचर्स थे इसके अंदर, तो इस वजह से इसकी रेटिंग कुछ कम थी कि एजिंग लोगों को ये चीज़ समझने में मुश्किल हो रही थी, ठीक है ना। तो और जो पहली डिवाइस थी वो वेरी सिंपल थी, उसमें सिर्फ SMS सेंड हो रहा था, सही है। तो इस तरह से यानी मीन्स के दोनों के प्रोज एंड कॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द डिवेलपर्स इफ़ दे वांट टू डिवेलप सच काइंड ऑफ डिवाइस, तो वो इस पर्टिकुलर थोड़ा बहुत जो मेरा एक ये जो वर्क है इसको देखते हुए वो अपना फर्दर हार्डवेयर डिवेलप कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर ये स्टैंडर्ड डेविएशन इज टेलिंग द डिफरेंस द ओपिनियन, सही है ना। जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ज़्यादा वेरिएट करेगा, क्योंकि सैम्पल साइज़ मेरे पास कम था, इस वजह से वेरिएशन साइज़ भी बहुत ज़्यादा शो हो रहा है। लेकिन जो हैंडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे दोनों का वेरिएशन ऑलमोस्ट सिमिलर है और काफ़ी हद तक कम है, सही ना, 0.58 के दरमियान है। अगर ये कहीं पे ये सब 4.1.9 है तो इसका मतलब है कि इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, सही है ना। यानी मीन्स कि किसी ने उसको हो सकता है 1 की रेटिंग दी हो, किसी ने 5 की रेटिंग दी हो, यानी रेटिंग में अगर ज़्यादा डिफरेंस, जितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा उतना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। ये तो आप लोगों ने ऑलरेडी जो बायोस्टैटिस्टिक्स का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का जो कोर्स है उसमें स्टडी आउट कर लिया होगा। तो इस तरह से ये एक मेरा पेपर है। सेकंड पेपर जो मैंने आप लोगों को शेयर करवाया है, इट्स अबाउट द प्योरली द सॉफ्टवेयर बेस, सही ना। ये भी उसी जर्नल में मैंने पब्लिश किया, इट्स अ सॉफ्टवेयर बेस, सही ना। ये मेरे वही फाइनल ईयर के कुछ स्टूडेंट्स थे, तो उनकी कुछ एफर्ट्स थी, उसके बाद फिर उसको फर्दर मैंने लेके चला था। सर रिशान भी थे इसके अंदर मेरे साथ। तो इसमें ये था कि 2015 का पेपर है, सही ना। तो उसमें एक ऐप डिवेलप की थी जो कि लोकेट कर रही थी कि नियरेस्ट हॉस्पिटल टू द पेशेंट, यानी लेट सपोज कि अगर पेशेंट कोई प्रॉब्लम, किसी बंदे को प्रॉब्लम हो रही है, उसको एज सून एज पॉसिबल किसी हॉस्पिटल पहुंचना है, तो वो कैसे पहुंच सकता है। तो एक छोटी सी एक एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन डिवेलप की थी, सही है ना। क्या कहते हैं, इसमें भी वो यूज़ किया था उसी को ज़्यादा, जो था MIT ऐप को, फिर बाद में इसको फिर वो प्रोग्रामिंग के ऊपर कन्वर्ट किया था, और गूगल मैप की API को यूज़ करते हुए इसको डेवलप किया गया था। यानी मीन्स इस तरह से कैटेगरीज थी कुछ कि जी अगर आपको कार्डियोलॉजिस्ट का नियरेस्ट हॉस्पिटल मालूम करना है या चाइल्ड स्पेशलिस्ट के लिए जाना है, तो इस अब तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। यानी जिस टाइम ये हम लोगों ने काम किया था उस टाइम इतनी कॉमनली एप्लीकेशन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब काफ़ी हद तक अवेलेबल हैं यहाँ पे ना। एंड फीचर्स वगैरह को सारा डिस्कस कर दिया कि उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, सही है ना। टेस्ट केसेस जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किए थे, तो वो उसके यानी मीन्स कि क्या हमने टेस्ट किया और कितनी देर में उसका रिजल्ट हमें अचीव हुआ, सही है ना। नियर बाय हॉस्पिटल्स की जो लिस्ट आ रही है बेसिकली वो गुलशन के अंदर, यानी सर सैद में ये चीज़ हमने बैठ के टेस्ट की थी। सो दीज आर द हॉस्पिटल, नियर बाई हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, सही है। फिर इसमें वही है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक गूगल मैप पर ले जाके और आपको हॉस्पिटल की लोकेशन सेंड कर देगा, सही है ना। तो इस तरह से इस चीज़ को टेस्ट किया गया। फिर ये कि मुख्तलिफ एरियाज़ में, यानी मीन्स कि हमने यहाँ पे ना कोऑर्डिनेट्स ले लिए थे, यानी कि कराची के मुख्तलिफ पॉइंट्स को हमने सेलेक्ट किया था।
तो उसमें ये मेरे पास डॉक्यूमेंट होगा जिसके अंदर ये चीज़ मेंशन होगी कि ये कोऑर्डिनेट किस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं वही गुलशन हो गया या तारिक रोड हो गया, डिफेंस क्लिफ्टन हो गया, तो हर इलाके के अलग अलग ले के ना उसको हमने कर दिया था कि जो हमारी ऐप है वो इस एरिया में इतने हॉस्पिटल्स शो कर रही है, इस एरिया में इतने शो कर रही है, इस एरिया में इतने कर रही है, सी ना। डेफिनेटली ऑल हॉस्पिटल्स आर नॉट कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर ऐप। जो मेजर जो रिनोन हॉस्पिटल्स हैं पूरे कराची के ना, तो मुख्तलिफ वेबसाइट्स के थ्रू उनका डेटा कलेक्ट किया था हमने, सही ना। तो हो सकता है कि उसमें इनएक्यूरेसी भी हो सकती है, लेकिन मेनली ये किया था कि जिसका गूगल मैप के ऊपर लोकेशन ट्रेस हो रही है तो उनको हमने अपनी इस पर्टिकुलर ऐप में ऐड किया था, सही ना। तो इस तरह से ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड पेपर है, सही है ना, कम्प्लीटली। तो इसमें डायरेक्टली एनालिसिस कोई नहीं थी, लेकिन ये था कि इस तरह से टेस्टिंग परफॉर्म हो गई थी। तो अगर हो सके तो try your best to make some paper, these paper are will be helpful for you to write your own paper, sahi na। to ye basically a part is particular telemedicine course ka। okay, so if you have any question regarding this, so you can ask me। Usama, samajh mein aa gaya? आवाज़ आ रही है मेरी? हैंग सा हो गया है। मुझे ज़रा ये तो टेक्स्ट मैसेज कर दें मोबाइल पे कि आर यू हेयरिंग मी।